देश यही जाना चाहिए कि संविधान का हनन किया जा रहा है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये संविधान हमारा बनाया गया, और उसको निश्चित तौर से जिसमें आम आदमी, कमज़ोर आदमी, किसान, कोई व्यक्ति भी, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब एक समान है, इसमें संविधान का हनन न हो, संविधान की रक्षा हो, इस नाते हम सब लोग आज कांग्रेस के लोग लगे हैं भारत माता मंदिर के ऐतिहासिक जगह से, और यहाँ से संविधान मार्च हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संदेश यही जाना देना चाहते हैं कि किसी के अधिकार को दबाया न जाए, किसी को सताया न जाए, और संविधान की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, काशी का प्रत्येक नागरिक इसके लिए प्रतिबद्ध हो और पूरी तरीके से इस संविधान के साथ खड़ा रहे। जी, मैं अमृता पांडे, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश। अमृता जी, किस तरह का संविधान मार्च निकालने का क्या उद्देश्य है इसका? जी, हम सभी भारतीय गणतंत्र के लोग एक संविधान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या सिद्धांत है, ये सब हमारे जीवन में निहित है, और इस संविधान पर मेरी सच्ची निष्ठा है, और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो भी जानें कि उनके क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांतों में वो जीते हैं। इसके लिए हम ये संविधान मार्च निकाल रहे हैं। क्या कारण लग रहा है कि इतने आज़ादी के इतने साल भी लोग अपने हक को नहीं जान पाए हैं? उस हक को नहीं जान क्यों नहीं पाए हैं? जान पाए हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से वो जाने, युवा जितने हैं वो सामने आए, अपने संविधान को, अपने कर्तव्यों को जाने, समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो निभाएं, उसके लिए ही आज हमने ये संविधान निकाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि मौजूदा समय में संविधान की रक्षा हो पा रही है, संविधान के अनुसार लोग कार्य कर पा रहे हैं? देखिए, आज जो मौजूदा सरकार है उसने तो संविधान को ताक पर रख दिया है और असंवैधानिक तरीके से अपने कार्य को कर रही है, लेकिन हाँ, हम युवा और जन लोग भी संविधान में विश्वास रखते हैं और आगे रखते रहेंगे और इसको बढ़ाएंगे।